नमस्ते। हमने एक धारावाहिक बनाया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके जरिए हम परिवार नियोजन के मुद्दों पर हमारे समाज की सोच और बर्ताव में एक बदलाव लाना चाहते थे। धारावाहिक ने बहुत सफलता हासिल की, लेकिन हम और गहराई में जाकर ये देखना चाहते थे कि जमीनी स्तर पर लोगों की आम जिंदगी में इसका क्या प्रभाव हुआ है। इसीलिए हमने एक कार्यक्रम बनाया, रील टू रियल। इसके जरिए हम ये देखना और दिखाना चाहते हैं कि इस धारावाहिक की कहानी और हमारे समाज की वास्तविकता के बीच क्या संबंध है। तो आइए चलते हैं मेरे यानी आपकी डॉक्टर स्नेहा के इस सफर पर और देखते हैं कि बाल विवाह पर इसका क्या असर हुआ है, क्या बदलाव आया। गांव वालों को मेरा पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। पापा से बोलते थे कि पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगी क्या। गांव का आवारा लड़का रघु मेरी बहन प्रीता के साथ छेड़खानी करता था। उसने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। उन्हें लगता था कि अगर हम आगे निकल गए तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। फुटबॉल के मैदान पर प्रीता के कड़े जवाब ने रघु की झूठी मर्दानगी को बहुत ठेस पहुंचाई। पैदल चलकर कॉलेज जा रहे थे, सुबह का टाइम था। पीछे से एक बड़ी गाड़ी आई, उनका उद्देश्य हमें मारना ही था। एक दिन प्रीता मैदान में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी रघु का एक दोस्त हाथ में कुछ छुपाकर दौड़ते हुए आया। जोर से गाड़ी मेरी तरफ आई, हमने उसे देख लिया, बचे वहां से, पर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो आके हमारे पैर पे लग गई। जैसे ही प्रीता फुटबॉल को किक मारने के लिए उछली, रघु के दोस्त ने बोतल में भरा तेजाब प्रीता के शरीर पर उछाल दिया। प्रीता दर्द से तड़प उठी, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। पर कहते हैं ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। प्रीता ने हिम्मत नहीं हारी। अपने हौसले और अस्पताल के उपचार के चलते प्रीता फिर से फुटबॉल के मैदान पर उतरी। हमें चोट जरूर लगी थी। घर आके जब हमने सबको इस बारे में बताया तो सबने यही कहा कि इस घटना से हम डरेंगे नहीं। जानती हो स्नेहा दी, मुझे प्रीता दी और अपनी कहानी जुड़ी हुई सी लगी। जैसे कि कहते हैं ना कि पानी कभी रुकता नहीं है, वो अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जो स्नेहा का किरदार निभाती हूँ वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, वो हमारी असल जिंदगियों से, वास्तविकता से जुड़ा हुआ एक किरदार है। और खास तौर से लाड़ कुंवर की, जो कि इस मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नया गांव की रहने वाली है, इसकी कहानी सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि जिन मुद्दों से मैं उस धारावाहिक में जूझ रही हूँ वो सब हमारी असल जिंदगी के मुद्दे हैं। और इसीलिए इस असल जिंदगी की असली नायिका है लाड़ कुंवर, मैं नहीं। कभी मैं खुली हथेली, कभी मैं सुलझी सुलझी, कभी मैं कोई पहेली, रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, उसकी बूंद को रेत सा भर सकती हूँ। तो जब तुमने पढ़ना शुरू किया, दसवीं के बाद में पढ़ने वाली तुम इस गांव की पहली लड़की हो ना। छतरपुर तक तो क्या, यहाँ से जो आसपास के गांव होते हैं जैसे कि बेतहसील होती है वहाँ तक भी नहीं कोई गया। और अब तुम क्योंकि कॉलेज पढ़ रही हो तो तुमको देख के दूसरी लड़कियाँ भी आगे पढ़ने लगी हैं। अब तो वो खुद बोलती हैं कि हम भी पढ़ेंगे।
अब सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे बारे में उदाहरण देते हैं, पर जब पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा, पहले तो बहुत ताने सुनने को मिले होंगे। बहुत ज्यादा, यहाँ से निकलती थी ना, एक दूसरे को सुना के कहते हैं कि क्यों, अगर पढ़ेंगे पढ़ लिख के क्या करना है, लड़कियों को वैसे भी खेती ही करना है। हमने उनसे हमेशा कहा कि हाँ ठीक है, अगर हम खेती भी करेंगे ना तो हमें ये जानकारी रहेगी कि मिट्टी का परीक्षण कैसा करवाना है, इसमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सा पौधा कब उगाना है। पहले तो हम लोग गांव वाले कहते थे कि शादी कर दो, अब ज़्यादा पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब लड़कुमार बहन बोली कि नहीं हमको शादी नहीं करना है और हमको पढ़ना ही है, तुम कुछ भी कर लो, फिर कॉलेज जाने लगी। जब इतनी पढ़ लिख गई तो फिर हम लोगों को अच्छा लगे कि कुछ आगे करके दिखाएंगे, तो फिर हम लोगों ने फैसला किया। के लिए बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते होंगे, समस्याएं आई होंगी, तो उसने किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को मनाया होगा और यहाँ तक काले गांव से आती पढ़ने, बहुत सारी समस्याएं भी तो होती हैं, वहां से गांव से आते हैं तो जब बच्चा 30 किलोमीटर दूर से आएगा तो कितने बजे चलेगा, 6 बजे जब चले तब तो यहाँ पहुंचेगा, तो उसने इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए भी कुछ ना कुछ किया। क्या आपको पता था कि लाड कुंवर अपने गाँव की इकलौती ऐसी लड़की है जिसने बाहर निकल के इतनी आगे तक पढ़ाई की है? नॉर्मल जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसे ये भी हमारे लिए एक स्टूडेंट ही थी। बाद में इनके साथ रहने के इन्होंने बताया कि सर मैं आती हूँ घर से और दूर पड़ता है, तो उसके बारे में जो भी समस्या होगी तो बताना भी, तो जो हम लोगों से जितना हो सकता था मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गाँव से वही अकेले आती है पढ़ने के लिए, इतनी सुबह से आती है, 6 बजे घर से निकलती है, 8 बजे कोचिंग आती है, 12 बजे तक 1 बजे तक बैठी रहती है। इसका नेचर भी अच्छा था, बोलती है वैसे ही अच्छा। आपको भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ समझाने की या कुछ कहा होगा, ताने दिए होंगे? ऐसे बोले लड़की यहाँ पढ़ा कहा करने का कल अट्टा बनने उन्हें, तो कुछ लोग ये भी धमकी देते थे कि छतरपुर में कुछ भी करवा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे भी बने तो इनको इतने आगे तक बढ़ने नहीं देना। पर लोगों ने इस तरह की धमकियां दी तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा? हमें कभी डर नहीं लगा, इसलिए डर नहीं लगा कि हमें ये लगता था कि हम चाहे कितनी भी हमारे सामने वो आ जाए, मुसीबतें आ जाए, पर हम ये सोचते रहे कि हमेशा हमें उनसे टकराना चाहिए। प्रतापपुर में मेरा स्वागत धमकियों से ही हुआ था, पर मैंने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए, इन धमकी भरे कांटों से बचते बचाते मैं आगे बढ़ती रही, आज तक कोई नहीं रोक पाया। मेरी बेटी की सलामती मेरे लिए मायने रखती है। मेरे लिए मेरा संघर्ष मायने रखता है, कि रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो हम भी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, हम अपनी पूरी सुरक्षा रखेंगे। आपने कभी उनके लिए कुछ कंप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा? तो हमने सोचा कि पहले हमें उस लायक बनना चाहिए, तब जाके हमें उसको जवाब देना चाहिए। हमेशा किसी इंसान को ऐसा नहीं कि उसके सामने जाकर के लड़ना चाहिए, एक हमें अपने आप में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद झुक जाए, उसे झुकाना ना पड़े। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? का सीरियल देखा तो बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें तो ये सब हुआ भी है। मुश्किल घड़ी में कमजोर पड़ने के बजाय, टूटने के बजाय खुद को मजबूत कर सकती हूँ, इतना मजबूत कि सामने वाला तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाए, आंसुओं की लाचारी के साथ नहीं हंसी की ताकत के साथ दुनिया का सामना करो। आप लोगों को देख के ही इतने जागरूक हुए हैं कि ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की, हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे। क्या करके पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। जब उनने किया है तो हमें भी करना चाहिए उनको देख के। तो जब ये तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे तो तुम कैसे उससे बाहर निकली, कैसे बची उस चीज से? हमने इनको एक बात ये समझाई, बहुत कोशिश की, इनसे पूछा कि तुम ये बताओ तुम दहेज कितना दोगे, जितना पैसा लगाना चाहती हो वो तुम हमारी पढ़ाई में लगा दो, तो उन्ही पैसों से वैसे तो मैं नहीं कमा पाना, वो तो खर्च हो जाएगा, पर वो पैसे हमारी पढ़ाई में लगेंगे,
तो एक तो जो ज्ञान होता है वो कोई चुराता नहीं है, खर्च नहीं होता है, और दूसरा जब हम जॉब करेंगे तो उससे और ज्यादा पैसे आएंगे, तो वो हम तुम्हें दे देंगे, तुम दहेज ले लेना उसका। फिर हमारी बात समझ में आ गई, फिर हम दोनों बैठे साथ में दोनों जने। फिर इनके पापा बोले क्या पढ़न दो हमारा इतना, तो तुम पढ़ाते रहा जितने हम पे बने पैसा टका मजूका, हम पढ़ाते पढ़ती है, हम पैसा लगाते रहे। सर अब आपको लाड कुंवर से क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद यही है कि जाए आगे, काफी तरक्की करे, और शुरुआत करने वाला चाहिए, शुरुआत जब प्रारंभिक स्टेज, इसके पीछे तो चलने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो पढ़ रही है, जब मेहनत कर रही है, होशियार भी है और अच्छे मार्क्स लाती है, तो सपोर्ट करना चाहिए सबको पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, जॉब करे, और फिर और लड़कियों को भी तो फिर प्रोत्साहन मिलेगा, अप्रिसिएशन होगा। अब तो वो ये कहती है कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि शादी करो। तुम्हारे हौसले और मेहनत को देखकर मन विश्वास से भर जाता है। एक कविता याद आती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। परिवार नियोजन का बोझ सिर्फ महिलाएं नहीं उठा सकती, इसमें पुरुषों की भागीदारी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी। हमारा ये मानना है कि देश को बदलना है तो मर्द को बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं छत्रपुर के पुरुषों ने क्या हंगामा मचाया। अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करना है बस उसी सब में लगे रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, यहां मत जाओ, और बेटों को कुछ नहीं कहते। अपने भटके हुए लड़कों को, बेटों को समझने की, समझाने की जरूरत है। आज ऐसा लग रहा है मानो किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। जिन पुरुषों की संकल्पना हमने की थी, क्या वास्तव में उनका होना मुमकिन है? या फिर लोगों की यह मान्यता सही है कि मर्द बदल नहीं सकता? मुझे इम्तिहान के अच्छे होने का एहसास तो है, लेकिन नतीजा कैसा होगा उसकी बेचैनी भी है। बतावे और समझावे ओ किया आज आयोजन है, ओ सासी सासी तुम्हें बतावे क्या परिवार नियोजन है। सही समय पे होए विवाह, सही समय पे होए विवाह, वो तुरंत न हो बच्चे की चाह। और आप लोग सोचते हैं कि महिला नसबंदी सही है, पुरुष नसबंदी गलत बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुरुष नसबंदी सबसे मस्त बंदी है। आप कब आए? नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव। थैंक यू। बस आप सब लोगों का उत्साह ही देख रही थी, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी। आपका कार्यक्रम देख के हमने जो देखा टीवी पे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उससे हमको जो प्रेरणा मिली है उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से चीजें सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी जो सहनशीलता है जेल के अंदर सब कुछ बुद्धि का है, हमने बहुत अच्छा लगा है। न जाने किस्मत हमारे साथ कौन सा खेल खेल रही है। ये सब पार हो जाएगा बाबूजी, आप ही तो कहा करते थे ना कि मैं कुछ भी कर सकती। हम जो मित्र वगैरह हैं और सबसे जिससे हमारी बनती है
उसको भी यही बताते हैं कि देखो सही तरीका क्या है जीने का, वो आप इस सीरियल को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो सोच आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है उसका इतना असर हो रहा है। चलिए मुझे अपना गांव तो दिखाइए। चलिए पहले अपने घर में हिंसा करते थे और आपका ये कहना है कि गांव में ज्यादातर लोग इस तरह की चीजें करते हैं। जी बिल्कुल मैडम, ये बात बहुत सच है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता है हर क्षेत्र में, तो कभी कभार आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। आपका जब सीरियल देखा है तो उसमें हर एक जगह कहीं ना कहीं एक संदेश रहता है। औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है वही मर्द है। देखा और अपनी जिंदगी में उसको लेकर आए, हमने अपने आप को बदल लिया है। और वैसे मैं आपके पतियों से मिलकर आई हूँ, सबके पतियों से बहुत कुछ बताया कि ये करते हैं वो करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। आपको क्या लगता है सच में कुछ सीखे हैं वो? पहले परेशान करते थे, झगड़ा वगड़ा हो जाता, मारते पीटते थे। अभी भी आपको परेशान करते हैं? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हिंसा वाली बात आपने मुझे बताई, उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज थी जिसका आप पर बहुत बड़ा असर हुआ? एक तो एपिसोड देखा था, सीमा जो होती हैं और उनके पति, सीमा को 3 बच्चे होते हैं और 4th बच्चा उनके पेट में होता है। इसके पेट में जो है माँ, वो लड़की है, लड़की। तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। सीमा दीदी, दीदी आप घबराओ मत, दादी भी यहीं है। सीमा की हालत बहुत खराब है, 6th महीने में उन लोगों ने गर्भपात करा दिया। हमारी सीमा बच नहीं पाई। जब सीरियल में इस तरह का दिखाया गया तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा कि वाकई में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। जो आपका सीरियल देखा तो मैं अपनी पत्नी से और मैंने जाके कहा कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बराबर सम्मान लड़की को देना चाहिए और लड़के को देना चाहिए। गांव में सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग की चलती है, वो चाहे उल्टा कहें चाहे सीधा कहें, वो कहते हैं मैं मर्द हूँ, जबकि मर्द वो है जो परिवार की, समाज की, औरत की, सबकी इज्जत करके। ये तो कह रहे बच्चे खत्म कर दी, नहीं तो फिर परिवार कहाँ से आगे बढ़ेगा? कहाँ से बढ़ेगा, हाँ बताओ, समझाओगे इतने से बढ़ जाएगा। तो आपके पति आपको अब इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं कि नहीं हमको तो अभी बच्चा चाहिए या हम नसबंदी नहीं कराएंगे, नहीं। ये अच्छा नहीं है, इस तरह की कोई चीजें नहीं बोलते? अचानक से सब कुछ इतना अच्छा हो गया? अब देखते हैं टीवी में सब, आपको तो वही देख तो करते हैं। ये मस्तबंदी क्या है? नसबंदी को ही हम मस्तबंदी कहकर बुलाते हैं, और एक बार मस्तबंदी हुई नहीं कि बस मस्त मस्त मस्त। इससे आपकी मर्दानगी या ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल पहले हमने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, उसका प्रभाव इतना गहरा हो सकता है शायद हमने सोचा ही नहीं था। सबसे अभिन्न अंग है लड़की इस समाज को चलाने के लिए, तो उसको हम अगर कहीं छोटा समझेंगे तो हमारी बुद्धि है कहीं छोटी है। और हम तो कहते हैं कि उनके जितना काम अगर हम करने लगे दूसरे दिन हो सकता है हमारी डेथ हो जाए। इतनी मेहनत करती हैं वो लोग, सबसे लेट सोती हैं, सबसे जल्दी जागती हैं। आप सब लोग भी अपने घर में कुछ काम वगैरह करते हैं, अपनी पत्नियों की मदद करते हैं या नहीं करते हैं? जब कभी मेरा बच्चा परेशान करता है तो मैं बच्चे को ले लेता हूँ, और जब भूखा होता है तो उसकी माँ को दे देता हूँ, उसकी जगह मैं काम कर देता हूँ, जैसे आग ही चूल्हा कुछ भी वगैरह, मैं मसाला भी पीस के सब कंप्लीट कर देता हूँ, बस उसका साथ देता है। और उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में, सब चीज़ों में मदद करते हैं।
जैसे बच्चे रो रहे थे तो मतलब उन्हें खिलाती हूँ, मसाला भी पीस देती हूँ। मसाला भी पीस देते हैं? आता भी है उनको मसाला पीसना? आता है। गर्मी में हम समस्या हो जाती पानी की, दूर दूर लेने जाते हैं तो हम लोग नहीं जाते हैं, तो फिर पानी लो भरवा देना। पानी तक भरवा देते हैं, क्या बात है। ये बहुत अच्छा है। ये एक दिन होगा औरतों की मर्जी का दिन। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। हमने एक दिन बैठ के कल्पना की कि हम तो रोजाना जाते हैं कभी छतरपुर, कभी राजनगर, कभी किसी के दरवाजे, कभी किसी की दुकान। हमने सोचा इसको कहीं जाने को नहीं मिलता है। इसके मन में ऐसी फीलिंग अगर होती है तो हम पूछें। राजू से मिलके हमने उसे स्व सहायता समूह से जोड़ दिया। हमने कहा कभी ना कभी मीटिंग के माध्यम से आप लगेगा कि हमारा भी कोई ज्योति है, कोई काम है। कितना टाइम लगा ये सब चीजें बदलने में? कितना दिन हो गए? 2 साल। वाह, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के छोटे से प्रयास की वजह से आपकी जिंदगी पर सच में कोई फर्क भी पड़ा है। आप जैसे कहते हैं कि हमारा बहुत छोटा प्रयास है, जबकि हमारे लिए और समाज के लिए, पूरे देश के लिए, और यहाँ तक कि अगर विदेशों में भी प्रसारण होता होगा तो वहाँ भी ये फर्क कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। हकीकत का चेहरा खूबसूरत होता जा रहा है। कदम भले ही छोटे क्यों ना हो, पर कमजोर नहीं होने चाहिए। विश्वास भरे छोटे छोटे कदमों से लंबा सफर तय किया जा सकता है। आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे हैं। Okay.